तीसरा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद कार्बेनायन, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, ऐसे करके, ठीक है ना। शीट भी मैंने दो बनाई है, एक यहां तक एरोमेटिसिटी तक और उसके बाद दूसरी जो है वो यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो हम लोग आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कोई रिएक्शन हो तो रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक रिएक्टेंट वाला हिस्सा जो लेफ्ट में लिखते हैं हम, और एक प्रोडक्ट वाला हिस्सा जो राइट में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट वाले हिस्से में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच इज बीइंग अटैक्ड, जिस पर अटैक हो रहा है, और दूसरा हिस्सा है रिएजेंट। रिएजेंट इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच अटैक्स। बात समझ में आई? और जब सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है पहले, और उस इंटरमीडिएट के तुरंत बाद बन जाता है प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट को हम कई बार डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी स्टडी कर पाते हैं, कई बार हम इतना ये शॉर्ट लिव्ड होता है कि उसकी स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन आउट ऑफ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स दैट प्रोडक्ट वुड बी मेजर हुज इंटरमीडिएट इज मोस्ट स्टेबल, ये रूल है। बहुत एक रिएक्शन हो रही है, दो सब्सटेंसेस के बीच में एक रिएक्शन हो रही है, तो तमाम पॉसिबिलिटी होती है, कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा उसी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट इस सब्सट्रेट पर क्यों अटैक करेगा, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, और रिएजेंट का कौन सा हिस्सा सब्सट्रेट के कौन से वाले कॉर्नर पर अटैक करेगा और क्यों। इसका आंसर है कि किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के वजह से, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, उनकी वजह से ये रिएक्शन हुआ करती है। और अल्टीमेट रीजन तो यही है कि सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश है, और दोनों को ही ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दोनों को ही स्टेबल होना है, इसलिए रिएक्शन होती है। लेकिन हर रिएक्शन के पीछे कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह से काम करता है। तो हम आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव, मिजोमेरिक, जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, मिजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। सो वी शैल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स टुडे, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय आई। दूसरा इफेक्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिनोटेड बाय एम। इसी को रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको आर से शो कर देते हैं। इसी में रेजोनेंस नाम का एक फंडा भी हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस एक फेनोमेनॉन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट,
जिसको हम एच सी से शो करते हैं, एंड फाइनली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिसको हम ई से शो करते हैं। इनमें से ये जो चार इफेक्ट्स हैं, दे आर परमानेंट इफेक्ट्स। और ये अकेला ये जो है ना, ये है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। कई बार एक रिएक्शन में एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। और जब हम आगे रिएक्शंस में जाएंगे, क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, और वहां पर मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रही है, या यहां मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, या ये कार्बोकैटायन प्लस एम की वजह से स्टेबल है, या ये कार्बेनायन माइनस एम की वजह से स्टेबल है, तो वहां एम इफेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए या आई इफेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए अलग से टाइम नहीं होगा। तो हमें सारे इफेक्ट्स एक साथ पहले पढ़ लेने हैं, फिर उनका एप्लीकेशन जहां भी आएगा वहां हम उसको करते चले जाएंगे। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट आई। जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देखें, अगर किसी कार्बन की चेन में कोई एक्स लगा हुआ है जो हैलोजन है, एक्स अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर स्लाइटली पुल करेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेल मी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, राइट। And X being more electronegative will try to pull the electron towards itself, so slightly it is shifted and that's why there is a partial negative charge. And on the other hand, carbon will have a partial positive charge. And this positivity is realized little bit till the third carbon of chain and after that it becomes negligible. जब भी कभी हम alkyl halide बनाएंगे तो ये feature permanently वहां create हो जाएगा। मान लीजिए आपने बनाया ethyl chloride, जैसे ethyl chloride बना ये minus और ये plus हो गया। अगर हमारे पास एक रिएजेंट है जिसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है तो वो यहां आएगा, रिएक्शन हो जाएगी और हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुई। दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। अगर ये रिएजेंट नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये फीचर परमानेंट रहेगा। दैट्स वाई वी हैव रिटन परमानेंट इफेक्ट। समझ में आ रही बात, हमने परमानेंट इसीलिए लिख रखा है इसको। क्लियर हुआ बात समझ में आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं, और वो परमानेंटली, पार्शियली एंड परमानेंटली दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर पार्शियल चार्जेस क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन में आकर। बात समझ में आ रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। क्या इंडक्टिव इफेक्ट तब भी होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, तब नहीं होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही ये ऑपरेट होता है। बात समझ में आई, तो जरा डेफिनेशन लिखें। लिखो परमानेंट कॉमा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। आई रिपीट, परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट लिखो,
इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ई एन लिखा करो, कैपिटल ई कैपिटल एन। इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लो, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटरफियर। आई रिपीट, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटरफियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, लिख दिया। अगला पॉइंट लिख लो, इट इज शोन बाय दिस। जैसे बॉन्ड के बीच में एरो लगा देते हैं ऐसे, इट इज शोन दिस वे। एक पॉइंट और लिख लो, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जिसमें वेक्टर सम किया जाता है। इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब इसका वेक्टर सम किया जाता है, मतलब डायरेक्शन के साथ इसको इंक्लूड करके तब ऐड किया जाता है। जैसे मान लो एक जगह इंडक्टिव इफेक्ट इधर हो और दूसरे का इक्वल और इधर हो, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाना है, ठीक है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी तो उसी को बोलते हैं ना जिसमें हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर होगी बात, बात समझ में आ गई अभी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता वहां इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। जैसे जैसे अल्केन्स में, अल्केन्स आर नॉन पोलर यानी कि उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, यानी कि उनका इंडक्टिव इफेक्ट भी जीरो है, ठीक है ना। अल्केन्स का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, इसलिए नॉन पोलर होते हैं। पोलैरिटी क्या होती है, अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अपोजिट चार्जेस शॉर्ट डिस्टेंस पर क्रिएट हो जाए, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। लिटरेचर में इस तरह से लिखा जाता है कि अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, देन द सिस्टम इज नोन एज अ डाइपोल एंड दिस सिस्टम देर इज अ फोर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस इन द डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस विच इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट म्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑल्सो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, वेर क्यू इज चार्ज इन कूलम, डी इज द डिस्टेंस इन मीटर एंड द यूनिट ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट इज डेबाई। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, वी हैव टू क्वालिटेटिवली जज वेदर विच वन इज हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट एंड विच कंपाउंड हैज लेस डाइपोल मोमेंट। हमें यहां क्वांटिटी कैलकुलेट करके नहीं बताना है कि भाई कितने डिवाइड हुआ, हमें सिर्फ ये बताना होता है कि किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट है और किसमें कम डाइपोल मोमेंट है। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां डाइपोल मोमेंट होता है और वहां पर म्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, आई इज इक्वल टू जीरो और म्यू क्या होगा, जीरो, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर। अब जरा एक बात बताता हूं आपको, अगर यही ब्यूटेन है और ब्यूटेन को मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में शो कर दिया, ब्यूटेन के दो न्यूमैन कन्फर्मेशन बनेंगे, कन्फर्मर्स बनेंगे, कौन कौन से बताओ। स्टेगर्ड के दो बनते हैं ना, कौन कौन से बोलो, एंटी और गौश, यही दो ही तो बनते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो मान लो हमने ये एंटी ले लिया और ये ले लेता हूं गौश, तो मुझे एक बात बताओ, एंटी में तो म्यू जीरो लग रहा है, एंटी कन्फर्मेशन में म्यू एंटी जीरो है, म्यू जी के लिए क्या कहते हैं, जीरो या नॉन जीरो, ये भी जीरो होगा। अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ भी हो, बात समझ में आ रही। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, सारे कार्बन sp3 हैं,
तो उसको आपने एंटी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो या गॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा। प्रेजेंटेशन का तरीका बदलने से कुछ नहीं होता। भाई हमने ब्यूटेन को ऐसे प्रेजेंट कर दिया, कोई उसको ऐसे प्रेजेंट करते तो क्या ये अलग ब्यूटेन है? ये अलग ब्यूटेन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? तो उसी तरीके से किसी ने न्यूमैन में प्रेजेंट कर दिया इसको, तो क्या फर्क पड़ना है इससे? प्रेजेंटेशन फॉर्मूला बदलने से उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं बदलती। वो जरूर है कि ये जो लुक्स है, ये जो कॉन्फॉर्मेशन है, इनमें अपने आपस में स्टेबिलिटी का फर्क हो सकता है, लेकिन इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप तो जानते हो दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर एक्चुअली आइडेंटिकल। कॉन्फॉर्मेशनल का इंग्लिश मीनिंग क्या है? आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है? नोट करें। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। हम प्लस तब लगाते हैं जब कोई ऐसा इफेक्ट हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखता हो, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल की टेंडेंसी। ठीक है ना? तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स हैं ना, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। शॉर्ट में हम बोलते हैं ईआरजी। इन टर्म्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ लें, इनका खूब यूज होने वाला है इस टॉपिक में। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ईडब्ल्यूजी बोलते हैं इनको, या इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी बोल देते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है ना? दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखते हैं उनको प्लस आई कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की टेंडेंसी रखते हैं उनको माइनस आई कहा जाता है। और कुछ तो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं या परमानेंटली इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रुप्स के बारे में देख के ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना? कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक ही फंडा है, जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो माइनस आई, दैट्स इट। जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो माइनस आई। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल्स करते हैं प्लस आई ग्रुप्स के। प्लस आई ग्रुप्स का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है ना? पहला, कोई एल्काइल ग्रुप ले लें। एल्काइल ग्रुप आर से डिनोट किए जाते हैं, आर से। आर जनरली प्लस आई ग्रुप्स, ज्यादातर ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। इसका एक हालांकि एक एक्सेप्शन भी है। अगर मान लो हमने ले लिया मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल, तो जैसे जैसे कार्बनों का नंबर बढ़ता जाएगा प्लस आई का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अगर हमने ले लिया, कार्बनों का नंबर तो सेम रखा लेकिन हम उसकी डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार हमने प्राइमरी लिया, एक बार हमने सेकेंडरी लिया, और एक बार हमने टर्शरी लिया, तो भी डिग्री बढ़ाने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? या तो लीनियर हो और कार्बन का नंबर बढ़ता जाए तो प्लस आई बढ़ता जाता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो लेकिन डिग्री चेंज होता जाए, तो जैसे जैसे हायर डिग्री का ग्रुप होगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये वो बॉन्ड है जिसके थ्रू ये सामने वाले किसी रिंग से या किसी ग्रुप से लगा हुआ, जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्लस आई की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना? एल्काइल ग्रुप्स जनरली प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, और ये जहां भी लगते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और माइनस आई की तरह व्यवहार करते हैं, खासतौर पर जब ये मेटल से लगे हों। मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड दे आर नोन टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कभी कोई मेटल किसी एल्काइल ग्रुप से लगेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चिपका देगा। एल्काइल की नेचर वैसे इलेक्ट्रॉन देने की है, लेकिन मेटल के सामने लेना पड़ता है। समझ में आई बात? तो एक्सेप्शन नोट करते हैं जरा। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप किसी मेटल से लग जाए, जैसे मैग्नीशियम मेटल से लग जाए, तो मेटल्स पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं और इसे निगेटिव होना पड़ता है, यानी कि इसे माइनस आई इफेक्ट शो करना पड़ता है। अभी अभी हमने लिखा कि एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, बट एक्सेप्शनली व्हेन दे आर कनेक्टेड विद मेटल्स दे हैव टू शो माइनस आई, आई मीन दे रिसीव इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना। ठीक है, या फिर अगर किसी ग्रुप के ऊपर एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो ग्रुप प्लस आई ग्रुप कहलाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, जरा लिखें यहां पर, एक नोट लिखें, इफ अ ग्रुप हैज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देन इट इज अ प्लस आई ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ भी हो, अगर वो प्लस आई है, जैसे O- एक प्लस आई ग्रुप है, COO- एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक है ना। अगर किसी ग्रुप के ऊपर एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस आई ग्रुप कहलाएगा, चाहे उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ भी हो। हम लोगों ने अभी अभी एक थीम बनाई कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो माइनस आई कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भूल जाए, वो प्लस आई ग्रुप ही है, क्योंकि जब भी कभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अब वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग बन जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट्स ए प्लस आई ग्रुप ऑलवेज। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात। मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का पूरा एक लिस्ट बना के दे दूंगा आपको कि किसका प्लस आई ज्यादा, किसका प्लस आई कम, ऐसे करके। क्लियर हो रही बात। हम लोग पढ़ेंगे माइनस आई ग्रुप्स। माइनस आई ग्रुप्स यू नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर किसी कार्बन के ऊपर, किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए तो ये माइनस आई की तरह व्यवहार करेगा। अगर मान लो इस पे दो एफ प्रेजेंट हो जाए तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, या अगर इस पे तीन एफ प्रेजेंट हो जाए तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी एक ही कार्बन पर जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ता जाएगा, और ये माइनस आई इंक्रीजिंग है ऊपर से नीचे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऊपर या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यू नो परसेंटेज एस कैरेक्टर पर भी डिपेंड करती है, आपको तो पता है, इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल बी मोर। बात समझ में आ रही है, ये तो ये फंडा तो आप जानते हो। जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया CH2NH2, यहां पर ले लिया CH double bond NH, और यहां पर ले लिया C triple bond N। मुझे बताया जाए, ये नाइट्रोजन है sp3, ये नाइट्रोजन बेटे sp2, और ये sp। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp नाइट्रोजन, उसके बाद sp2 नाइट्रोजन, और उसके बाद बेटे sp3 नाइट्रोजन। ठीक है ना, एक और बात बताना चाहता हूं, अगर कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंपेयर करोगे तो हम बोल देंगे कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नाइट्रोजन इज एक्चुअली द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट इज एफ एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, क्लोरीन आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बट आफ्टर द सेकेंड पोर्शन ऑफ डेसिमल यू नो देर इज सम चेंज एंड नाइट्रोजन बींग स्मॉलर इज मोर इफेक्टिव एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। वैसे दोनों की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, मुलिगन स्केल पर। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करें तो नाइट्रोजन को ही हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बताया जाएगा, हाँ या ना। sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होगी, sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 कार्बन से ज्यादा होगी। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लें, sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp कार्बन से ज्यादा होगी, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना लें, एक ही एक्सेप्शन है,
एक ही एक्सेप्शन है, अगर नाइट्रोजन sp3 हो और कार्बन sp हो, sp कार्बन हो, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू sp3 नाइट्रोजन। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज इन ऑल कॉम्बिनेशंस नाइट्रोजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही? ये एक्सेप्शन याद रखना। किसी दिन आपसे सवाल पूछ लूंगा, लिखो इफ अ ग्रुप हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, इफ अ ग्रुप हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देन इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस एंड इट्स ए माइनस आई ग्रुप। जैसे अगर O प्लस ले लो, O प्लस sp3 हो तो इसका माइनस आई N प्लस से बहुत ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो O प्लस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी N प्लस से ज्यादा होगी, फिर O N प्लस की तो O से भी ज्यादा होगी और फिर N आएगा। ठीक है ना? अगर माइनस आई की बात करें तो NF3 सबसे ज्यादा स्ट्रांग माइनस आई है नाइट्रोजनों के खानदान में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के खानदान में, फिर NH3 प्लस, ऐसे करके आगे बढ़ता है। NO2 को हम बड़ा कुख्यात माइनस आई ग्रुप मानते हैं, लेकिन इसके बाद ही आता है। अगर आपने किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया या वहां एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन एक्युमुलेट पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। बात समझ में आ रही? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, कोई उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच के ले जाए और प्लस चार्ज बनाए, ये तो बहुत ही मुश्किल है, तांडव हो जाएगा। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीन के ऊपर तो प्लस बनाया ही नहीं जा सकता। तो जरा ये भी एक नोट लिखें, प्लीज राइट। नहीं, मैं तो ये बता रहा था ना कि ओवरऑल अगर किसी ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज हो जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, माइनस आई बढ़ जाता है। जैसे O प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन O, वो तो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लिया, इसलिए तो ये लिखना पड़ा। अपने पेरेंट एटम से तो पॉजिटिवली चार्ज वाला तो ज्यादा होगा ही सही, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तब तो सिक्वेंस चेंज हो जाता ऑफकोर्स। अब जरा यहां पे लिखें, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज इफ दियर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। जैसे आपने H3O+ बहुत यूज किया है, हाइड्रोनियम आयन या अमोनियम आयन बहुत यूज करते हैं, NH4+, इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। आप चेक करें, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट होना। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक इसने इसको दे रखा है, तो भी जरा देखें हर बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और वैसे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है ना? देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कायदे से तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और किसी एक ही डोनर ने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रखा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता था। मॉडर्न केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड ही कहा जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एक ही है,
कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो कहां कैसे आया, एक ही एटम ने दोनों दिए या दोनों ने इक्वल शेयरिंग किया, इससे मतलब नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी बॉन्ड में शेयर्ड है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स इट। बात समझ में अब कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया है, आपको तो पता है अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अगर H प्लस मटराता हुआ है तो इसको दे देता है, ठीक है ना। तो ये बन जाता है अमोनियम आयन, ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट होने पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रखना हो, तांडव हो जाए, मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है ना। लिख लो इस बात को, पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विल बी अ हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विल मेक द स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने इस तरह का कोई ऑक्सीजन लिया होता जिस पर हम प्लस चार्ज लगा देते और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अगर कहीं बहुत सारी ऑर्गेनिक स्पीशीज लिख के और आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक अनस्टेबल बताओ तो इसी को बता दें आप। एक तो ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाना और प्लस दे देना उसको कितना मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही मुश्किल है, ऑक्सीजन ऐसा नहीं करने देता, ठीक है। अगर आपने किया तो बहुत हाई एनर्जी सप्लाई करके करना पड़ेगा, एंड वेन एवर यू सप्लाई वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एनी स्पीशीज दैट बिकम्स वेरी अनस्टेबल, ठीक है। केस में प्लस आई की अगर बात करें तो ड्यूटेरियम का प्लस आई प्रोटियम से ज्यादा होता है। यू नो ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन आर आइसोटोप्स, एंड इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर्स आर सेम, बट हेवियर आइसोटोप इज हैविंग मोर प्लस आई। एंड नॉट ओनली दिस, बट ड्यूट्रोमिथाइल इज हैविंग मोर प्लस आई एज कम्पेयर टू सिंपल मिथाइल। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना, बॉन्ड एनर्जी वो सी डी बॉन्ड की सी एच बॉन्ड की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्या होता है, बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग बनेगा कौन सा वीक बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हर एटम अपनी मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता है। जो हेवी होगा वो कम ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, जो लाइटर होगा वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो हाइड्रोजन लाइटर है, ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, इसका एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड डिस्टेंस होता है। ड्यूटेरियम बीइंग हेवियर देन हाइड्रोजन हैज लेस वाइब्रेशनल कोफिशिएंट, सो इट्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मोर एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। जब हाइड्रोजन ऑसिलेट करता रहता है तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा रहती है, तो एवरेज डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो बॉन्ड भी कमजोर हो जाता है। ड्यूटेरियम हेवी होने की वजह से इतना ज्यादा मूव नहीं करता जितना हाइड्रोजन करता था, यानी वाइब्रेशन उसका कम रहता है, तो एवरेज डिस्टेंस कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं अच्छा ओवरलैप हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। लिख लें इस बात को, रीजन में लिखें, ड्यूटेरियम बीइंग हेवियर, डी बीइंग हेवियर हैज लेस वाइब्रेशनल कोफिशिएंट, डी बीइंग हेवियर हैज लेस वाइब्रेशनल कोफिशिएंट, सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मोर, so extent of overlap is more and that's why CD bond is stronger than CH bond, extent of overlap is more and that's why CD bond is stronger than CH bond। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट करते हैं, टाइम नहीं है क्या? सबसे पहला एप्लीकेशन है, बस यही हेडिंग डाल लो फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये एक इंटरमीडिएट है, कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीन तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरली होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स। हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को अलग से एज अ टॉपिक पढ़ना है। यहां पर हम कार्बोकेटायन नहीं पढ़ने जा रहे, हम सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई कार्बोकेटायन होता तो आई इफेक्ट की वजह से उसकी स्टेबिलिटी का क्या होता, रोल ऑफ आई इफेक्ट इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। प्लीज कीप इन माइंड कार्बोकेटायन एज अ टॉपिक वी हैव टू स्टडी लिटिल लेटर। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन पर आई इफेक्ट का रोल क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको पढ़ेंगे यहां से।